हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है किस्मत। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फेसबुक मार्केट प्लेस के बारे में और फेसबुक मार्केट प्लेस में आप किस तरह से प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, जो नया यूज़र होते हैं, जो नया यूज़र काम स्टार्ट करना चाहते हैं, रीसेलिंग का चाहिए वो सेलर का, तो वो अपना खुद का प्रोडक्ट भी बेचना चाहते हैं तो बेच सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे यूज़र है जो जिनको पता नहीं होते फेसबुक किस तरह से यूज़ करते हैं, फेसबुक मार्केट प्लेस में किस तरह से प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं, तो इसके बारे में उनको पता नहीं होता है। इसी वजह से वो क्या करते हैं, वो छोड़ देते हैं, काम को शुरू नहीं करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ मैं फ्रेंड्स इस वीडियो में जिस तरह से मैं बताऊँगा और जिस तरह से मैं बताने की कोशिश करूँगा आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो देखकर भी आप बिल्कुल रीसेलिंग का काम स्टार्ट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपको पता नहीं है कि किस तरह से कहाँ से प्रोडक्ट आपको मिलेगा, कहाँ से प्रोडक्ट आपको लेना है, तो सारे रीसेलिंग एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है फ्रेंड्स, जाके आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो फ्रेंड्स। और वहाँ से प्रोडक्ट लेकर आप फेसबुक मार्केट प्लेस में लिस्ट करके प्रोडक्ट को बेच सकते हो, बिल्कुल आसान है। और मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा किस तरह से लिस्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले आपको क्या करना है, फेसबुक जो ऐप है उस ऐप को आपको पहले ओपन करना है। तो मैं ओपन कर लेता हूँ फ्रेंड्स। ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, देखिए ओपन करने के बाद देखिए यहाँ पर ऊपर का ये और देखिए होम है, टीवी है और ये जो जो पेज है और बॉक्स है, इस तरह से आपको दिखाएगा। तो पहले देखिए यहाँ पर एक मार्केट है, यहाँ पर ये इस बॉक्स में आप क्लिक कर दीजिए। तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ, देखिए मार्केट प्लेस आ गया है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट, अलग अलग जो व्यक्ति है वो अलग अलग जो बंदा है यहाँ पर सेल करते हैं। तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ, देखिए यहाँ पर आपको मार्केट प्लेस का जो आइकन है शो नहीं कर रहा है, तो आपको क्या करना है, ये बॉक्स में आप क्लिक करना है। बॉक्स के ऊपर नीचे की ओर आके यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मार्केट प्लेस यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी आपको शो नहीं कर रहा है, तो आपको सेटिंग में जाके इसको सेटिंग करना पड़ेगा। तो चलिए मैं आज इस वीडियो में जस्ट लिस्टिंग किस तरह से करते हैं इसी के बारे में हम बताएंगे। तो चलिए मैं मार्केट प्लेस पर क्लिक कर देता हूँ। मार्केट प्लेस पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर लोकल, ठीक है, और सेल, और यहाँ पर देखिए जो प्रोफाइल है आपका, ठीक है, यहाँ पर दिखा रहा है। तो मैं आपको क्या करूँगा, देखिए यहाँ पर सेल पर क्लिक करूँगा। सेल पर क्लिक करने के बाद देखिए आइटम है, तो नीचे के बाद जॉब है और बहुत सारे ऐसे ऑप्शन है। यहाँ पर हम लोगों को जाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट कोई कार सेल करना चाहते तो भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो मैं आइटम पर क्लिक करूँगा। आइटम पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, जस्ट यहाँ पर इस तरह से दिखाएगा। तो आपको देखिए यहाँ पर ऐड फोटो, यहाँ पर ऐड फोटो करने के लिए बोल रहा है। उसके बाद टाइटल, उसके बाद नीचे की ओर आए तो प्राइस के बारे में, उसके बाद कैटेगरी, इसके बाद देखिए यहाँ पर लोकेशन और डिस्क्रिप्शन और टैग, ठीक है। तो मैं यहाँ पर प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ फ्रेंड्स। तो सिलेक्ट करने के बाद देखिए मैं ये ब्लेज़र जो है मैं सेल करना चाहता हूँ, ओके। तो यहाँ पर मैं इस तरह से प्रोडक्ट को लिस्ट इस तरह से मैं सिलेक्ट करूँगा। तो सिलेक्ट कर सारे जो फ़ोटो है मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए मैं 9 फ़ोटो यहाँ पर सिलेक्ट किया, तो 10 कर देता हूँ। तो यहाँ पर एक से लेकर 10 फ़ोटो या 10 कटलग यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो फ्रेंड्स, ओके। तो देखिए यहाँ पर एक हो गया, और उसके बाद 10 के बाद आप नहीं कर सकते हो, ओके। तो उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर टाइटल लिखना है। तो टाइटल में आपको क्या लिखना है, देखिए इसके बारे में जो ये जो है ये क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है, ब्लेज़र फॉर मैंस, ओके। तो मैं इस तरह से टाइटल को लिख दूंगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर प्राइस, प्राइस में आपको क्या रखना है, देखिए इसका जो प्राइस है ये बहुत ज़्यादा है, ओके। तो मैं यहाँ पर प्राइस यहाँ पर नहीं लिखूँगा, यहाँ पर जस्ट 0 कर दूँगा, तो यहाँ पर फ्री हो जाएगा, ओके। उसके बाद कोई बंदा प्रोडक्ट लेना चाहेंगे तो आपके साथ कांटेक्ट करके इसके बारे में पूछ सकते हैं इसका प्राइस क्या है। तो आप यहाँ पर चाहते हो तो यहाँ पर साइड में भी लिख सकते हो। तो मैं इसका प्राइस दे देता हूँ, कस्टमर जब भी मुझे पूछेगा तो जल्दी से मैं बता पाऊँगा, इसी के लिए मैं इसको यहाँ पर दे दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, कैटेगरी, कैटेगरी पर देखिए यहाँ पर मैंस है, वोमेंस है, तो मैं कैटेगरी पर यहाँ पर क्लिक करके बहुत सारी कैटेगरी है, जो भी आप जो किचन वगैरह जो टूल्स होते हैं वो सेल करना चाहते हो, ठीक है, जो भी सेल करना चाहते हो, अलग अलग कैटेगरी है, कैटेगरी आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, ये जो मैंने प्रोडक्ट अभी लिस्ट किए फोटो ऐड किया है तो कौन सी कैटेगरी में आते हैं, देखिए यहाँ पर मैंस क्लोथिंग एंड शूज़, तो यहाँ पर मैं क्लिक कर दूँगा। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर कंडीशन, आपका प्रोडक्ट जो है न्यू है या पुरातन है या क्या आपने या पहले से यूज़ किया है, ये सब यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यूज़ लाइक है न्यू, यूज्ड गुड, ठीक है, तो फिर इस तरह से, तो मैं न्यू सिलेक्ट कर लूँगा, न्यू प्रोडक्ट है। ब्रांड, इसके
इसका ब्रांड क्या है, ब्रांड का यहाँ पर देख सकते हो, आपका खुद का भी नाम लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइज़ वगैरह यहाँ पर देख सकते हो, तो मैं ये दो नहीं दूंगा, आप चाहते हो तो दे सकते हो। ओके, उसके बाद देखिए मेरा जो लोकेशन है ऑलरेडी यहाँ पर सिलेक्ट हो रखे है, सिलेक्ट हुआ है, तो यहाँ पर आप किसी भी लोकेशन में आप प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, चाहे मुंबई हो, दिल्ली हो, बेंगलोर हो, चेन्नई हो, तो किसी भी इंडिया के किसी भी कोने में आप प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो। तो यानी यहाँ पर लोकेशन को आप ऐड कर सकते हो, तो मैं यहाँ पर मुंबई दे देता हूँ, महाराष्ट्र, ठीक है, आप केरला भी दे सकते हो, एनी एनी स्टेट, एनी जिला, आप किसी भी जगह में आप इसको लिस्ट कर सकते हो। उसके बाद आप डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी लिख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ नहीं दूंगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी लिखा नहीं है, तो इस प्रोडक्ट के बारे में जो डिस्क्रिप्शन में, इसके साइज़ क्या है, क्वालिटी क्या है, कितने दिन में डिलीवरी होगा, ठीक है, और रिटर्न पॉलिसी है नहीं है, सब कुछ यहाँ पर आप दे सकते हो। ओके, और टैग, टैग मतलब कि किस तरह से प्रोडक्ट को सर्च करते हैं लोग, ब्लेजर को, ब्लेजर हाउ टू ब्लेजर, ठीक है, इस तरह से जो लोग गूगल में जाके, फेसबुक मार्केट प्लेस में जाके वो सर्च करते हैं, तो जैसे कि मैं टाइटल लिखा, वो टाइटल भी है यहाँ पर दे सकते हो आप। देखिए मैंने ब्लेजर टैग दे दिया, तो कोई भी बंदा यहाँ पर सर्च करते हैं मार्केट प्लेस पर, तो मेरा जो प्रोडक्ट है वो रैंक में आ जाएगा और दिखाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, जस्ट कुछ भी नहीं करना है, जस्ट आपको क्या करना है, जस्ट ऊपर में आप देखिए यहाँ पर नेक्स्ट, नेक्स्ट बटन में क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट बटन में क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर बहुत सारे ग्रुप है, देखिए यहाँ पर ग्रुप आप ज्वाइन हो सकते हो। देखिए मैंने मेरा बहुत सारे ऐसे नीचे के ऊपर देखिए यहाँ पर ज्वाइन होने के लिए बोल रहा है, तो ज्वाइन होंगे तो यहाँ से आपका प्रोडक्ट जो है पब्लिश कर दिया जाएगा फिर से। एक तो फेसबुक मार्केट प्लेस में आपको प्रोडक्ट दिखाएगा, दूसरी बात आपका प्रोफाइल जो पिक्चर, आपका जो ओरिजिनल जो फेसबुक अकाउंट है उसमें आपका वो शो करेगा। जितने भी आपका फ्रेंड्स है, 5,000 हो, चाहिए वो 4,000 हो, सभी फ्रेंड को ये प्रोडक्ट लिस्ट करना दिखाएगा, आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, ये उन लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हो, मैं इस तरह से यहाँ पर टिक करके नेक्स्ट कर सकता हूँ, तो मैं नहीं करूँगा इस तरह से, ठीक है, आप कर सकते हो, इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा आपके लिए। उसके बाद आपको क्या करना है, पब्लिश करना है, तो मैंने पब्लिश कर दिया। देखिए ये प्रोसेसिंग हो रहा है फ्रेंड्स, थोड़ा टाइम लेते हैं, कभी कभी ये रिजेक्ट भी कर देते हैं। और किस तरह का प्रोडक्ट आपको यहाँ पर लिस्ट नहीं करना चाहिए, जैसे कि देखिए ये एक्टिव हो गया, यानी ये पब्लिश हो गया, ये लोगों को दिखाएगा, क्योंकि फेसबुक मार्केट प्लेस में जब भी आप कोई प्रोडक्ट लिस्ट करते हो वो तो वेरीफाई करते हैं, वो उसका जो एल्गोरिथम हो वो अच्छे से उसको चेक करते हैं, चेक करने के बाद ही आपका जो प्रोडक्ट है वो एक्टिव करते हैं। तो यानी ये एक्टिव हो गया, एक्टिव होने के बाद भी वो रिव्यू पे चला जाता है कभी कभी, जैसे कि आप औषध वगैरह, दवाई वगैरह आप यहाँ पर सेल नहीं कर सकते हो, ठीक है, कुछ ऐसे सेक्स वगैरह, कुछ ऐसा कुछ प्रोडक्ट है जो आप सेल नहीं कर सकते, ठीक है, तो इस तरह से प्रोडक्ट आप सेल नहीं कर सकते हो। कुछ ऐसा प्रोडक्ट आप सेल मत करो या पर लिस्ट मत करो, यानी आपका अकाउंट भी ब्लॉक हो सकते हैं। तो मैं जस्ट आपको आज इस वीडियो में बता दिया किस तरह से आपको प्रोडक्ट को लिस्ट करना है, तो यहाँ पर देख सकते हो फ्रेंड्स मेरा जो है, तो लिस्ट करने के बाद भी आप अपना प्रोडक्ट देखना चाहते हो कहाँ पर दिखाएगा, तो देखिए आपका ये प्रोफाइल पर क्लिक कर दीजिए। प्रोफाइल क्लिक करने के बाद ही इनबॉक्स है, योर लिस्टिंग है, ठीक है, सब कुछ है, तो इनबॉक्स में आप क्लिक कर सकते हो, कोई भी इंक्वायरी आते हैं फेसबुक टीम से यहाँ पर आपको दिखाएगा। देखिए यहाँ पर सब सारे प्रोडक्ट जो है यहाँ पर दिखा रहा है, तो मेरा जो प्रोफाइल है प्रोफाइल पे मैं क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद देखिए इस तरह से दिखाएगा, तो देखिए मार्केट फॉलोअर्स और यहाँ पर प्रोडक्ट आप ऐड कर सकते हो, और सारा प्रोडक्ट जो सी मोड में आप क्लिक करेगा तो दिखाएगा, तो यहाँ पर देखिए इस तरह से दिखाएगा। ओके, कुछ ही मिनट हुआ है ये प्रोडक्ट लिस्ट हुआ, तो यहाँ पर देखिए अभी अभी मैंने इसको लिस्ट किया, तो इस तरह से आप प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हो फ्रेंड्स। और कोई भी ऐसा कोई सेक्सुअल कोई नेगेटिव जो प्रोडक्ट है वो आप यहाँ पर लिस्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि जैसे कि आपको मैं ये भी बता देता हूँ फ्रेंड्स, जैसे कि फर्स्ट कॉपी जो प्रोडक्ट है, ठीक है, उसमें वो जो लोगो होता है रिबॉक नाइकी, ठीक है, उसका जो लोगो ब्रांड होता है वो ब्रांड यहाँ पर आप शो करते हो तो वो प्रोडक्ट लिस्ट नहीं होगा, वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, उसके लिए आपका अकाउंट भी डिसेबल हो सकते हैं। तो कॉपी वगैरह जो है ओरिजिनल ब्रांड जो है उसका आप यहाँ पर लिस्ट नहीं कर सकते हो, ये रूल्स के खिलाफ है, ठीक है, तो कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ है। तो आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसे लगी जरूर मुझे बताइएगा, और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए सबसे पहले वीडियो को देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।